80% लोन के साथ आप 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का लोन ले सकते हैं। भद्वा स्मार्ट सिटी पार्ट वन है, आप देख सकते हैं इसमें हमने गेटेड लगाया है, रोड बनाई है, ट्रांसफार्मर लगवाया है, खंभे लगवाए हैं, खंभों पर लाइट्स वगैरह लगा के दी है, सारी चीज की हमने इसमें फैसिलिटी दी है। आपको प्लॉट और मकान पे यहाँ पर लोन सुविधा मिल जाए। हमारी भारद्वाज स्मार्ट सिटी टू है, आप देख सकते हैं इसमें हमने रोड्स, गेट, पूरी सब चीज कंप्लीट करके दी है। हम अपनी सोसाइटी में आपको मंदिर, पार्क, RCC रोड, सिवर लाइन, सारी चीज की फैसिलिटी दे रहे हैं। हम जो भी प्रोजेक्ट लाते हैं वो पूरी बसावट के बीच में लाते हैं, जहाँ पे मार्केट, स्कूल, सारी चीज की फैसिलिटी। फैमिली ग्रेटर नोएडा बेस्ट के अंदर आपके लिए सेक्टर 10 के नियर बाय एक प्रोजेक्ट लेके आ चुके। बहुत सारी डिमांड थी सर, नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी लाओ, नोएडा के अंदर बढ़िया प्रॉपर्टी। तो सामने देख लो दोस्तों, ये पूरी लोकेशन बसावट और ये सामने है प्रोजेक्ट। ये देखिए पूरा प्रोजेक्ट अपकमिंग है, लॉन्च हुई है। इट मीन्स की बात करें तो जो भी फैमिली आ रही है प्रोजेक्ट लेने, तो भाई साहब अभी सस्ते रेट में, बढ़िया रेट में मिल जाएगी। और खास कंपनी ने बहुत सारे ऑफर लाए हुए हैं। क्या ऑफर है, कैसे आप डील कर पाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे विजिट करेंगे, क्या चार्जेस रहेगी, अगर आपको नोएडा में प्रॉपर्टी चाहिए तो पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए, अगर आपको सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। आप फैमिली आज की इस वीडियो में हमारे साथ जो है रीना अग्रवाल मैम है। नमस्ते मैम, कैसे हैं? नमस्ते, बढ़िया है, आप बताइए। आप बहुत बढ़िया मैम। तो मैम सबसे पहले आप हमारे फैमिली को इस वीडियो में बताइए अपने कंपनी के बारे में, आपके कंपनी का क्या नाम है? सर हमारी जो कंपनी का नाम है वो भारद्वाज स्मार्ट सिटी 3 के नाम से है। अच्छा, कंपनी का नाम जी। और मैम बात करें आपकी कंपनी कब से काम कर रही है प्रॉपर्टी के फील्ड में? सर हमारी इस फील्ड से काम करते करते 10 से 12 साल हो चुके हैं, और नियर बाय हमारी 2-3 साइडें भी चल रही हैं। भारद्वाज स्मार्ट सिटी 1 के नाम से है, भारद्वाज स्मार्ट सिटी 2 के नाम से, जो कि ऑलमोस्ट हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है वो भारद्वाज 3 के नाम से चल रही है। बिल्कुल सर। तो दोस्तों और यहाँ पे खास चीज मैं दिखाऊं कि इधर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको आसपास में इस तरह की जो नंबरिंग हो रखी है प्लॉटों पे। चलिए तो मैम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी लोकेशन है जिस जगह हम करंट में खड़े हैं अपने प्रोजेक्ट पे, कहाँ की लोकेशन है, कहाँ पे खड़े हैं इस समय? सर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो लाल कुआ पड़ता है वहाँ से हमारी सोसाइटी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और नियर बाय नोएडा एक्सटेंशन के पास में पड़ती है, सेक्टर 10 के नियर बाय। सेक्टर 10 के नियर बाय, सेक्टर 10 से कितने किलोमीटर होगा अपने प्रोजेक्ट? लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एक्यूरेट 1 से 1.5 किलोमीटर पे जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाली है। तो दोस्तों ये देख लो कि आपका जो है ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जो प्रोजेक्ट है, और आप सभी को पता है ग्रेटर नोएडा या फिर बात करें नोएडा अपने आप में ही एक बहुत ही स्मार्ट सिटी, और सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का टॉप सिटीज के अंदर जो है नोएडा इसमें जो है रैंक कर रही है। तो मैं बात करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट से पहले आसपास की जो है लोकेलिटी के बारे में कि नोएडा में जब भी हम बात करते हैं ना प्रोजेक्ट की, तो बात करते हैं हम यहाँ की आसपास की लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आसपास में जो कनेक्टिविटी की बात करें, मेट्रो, रेलवे और हाईवे कितने डिस्टेंस पे होंगे? देखो सर हाईवे तो है जो NS-91 है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बाकी यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन नियर बाय पड़ता है, और यहाँ पे नियर बाय सबसे अच्छी बात है मारीपत रेलवे स्टेशन है, जो की लोकल ट्रेनें जाती है। अच्छा, लोकल की दिल्ली वगैरह अप डाउन कर सकते हैं इसलिए आराम से। और इधर आसपास में अगर बात करें मेट्रो कनेक्टिविटी तो कौन सा है मेट्रो स्टेशन? मेट्रो के लिए सबसे अच्छी सुविधा ये है कि आप मेन हाईवे से 1 किलोमीटर जाके सीधा आपको 62 तक के ऑटो मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब कि जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 62 की मेट्रो स्टेशन नियर बाय लगेगी। हाँ जी बिल्कुल सर। तो दोस्तों देख लो यहाँ पे मेट्रो, रेलवे प्लस हाईवे तीनों ही कनेक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट की है। और बात कर प्रोजेक्ट पे तो आप देख सकते हो ऑलरेडी कितनी सारी बसावट आसपास में, ऑलरेडी काफी सारी फैमिली यहाँ पे रह रही है। तो मतलब कि आप बिल्कुल रेडी टू मूव? हाँ रेडी टू मूव दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, आओ रहना शुरू करो। हाँ जी। तो मैं बात करते हैं उसके साथ, जैसे कि यहाँ पे आपने बताया, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं मार्केट की, तो नियर बाय मार्केट जो है कितने डिस्टेंस पे होने वाली है? मार्केट यहाँ से अगर आप लगभग मान के चलो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन अगर छोटी मोटी मार्केट बात करें तो वो तो हमारी सोसाइटी के अंदर भी है। हाँ, जो रोजमर्रा की जहाँ पे जो मिल जाती है। बिल्कुल सर, वो सोसाइटी के अंदर ही मिली, और वीकली में मार्केट लगती है, मार्केट भी है, फ्राइडे सब्जी मार्केट लगती है। तो दोस्तों देख लो वीकली मार्केट, नियर बाय मार्केट और बड़ी मार्केट भी बिल्कुल पास में। और मैम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो बच्चे भी आएंगे तो आसपास में स्कूल, कॉलेज, स्कूल्स, मार्केट सब आसपास है, लगभग 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब एक व्यक्ति को रहने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी चीज की फैसिलिटी है। हां जी। अगर मान लो हमारी फैमिली आती तो पहले सब चीज आप दिखाएंगे ना उनको? बिल्कुल सर दिखाएंगे, स्कूल आसपास ही है बिल्कुल। ओके, बात कर लेते हैं अभी जो है हमारी फैमिली को प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैम ने बताया आपको कि सारी सुविधाएं होने वाली है नोएडा के अंदर होने वाली है, लेकिन मैम यहाँ पे बात करते हैं जो अपने प्रोजेक्ट पे जो है आपने सुविधाएं क्या क्या करके हमारे फैमिली को दी है? सुविधाएं जो हमने दी है वो RCC रोड दे रहे हैं, सिविल लाइन दे रहे हैं, और क्या कहते हैं मंदिर दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं,
और सोसाइटी की लाइट के लिए सोलर लगा के दे रहे हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब कि सोसाइटी के लिए जो है, मतलब सोसाइटी में जो लाइटें जलेगी उसके लिए सोलर की फैसिलिटी करके दे रहे हैं। सोलर की फैसिलिटी, मतलब कि फ्यूचर में उनको काफी ज्यादा बचत होने वाली बिल्कुल, है। बिल्कुल, और मंदिर और पार्क भी दे रहे हैं। अच्छा, मंदिर पार्क भी बना दिया है। बिल्कुल। तो दोस्तों फैमिली आएगी तो दोस्तों देखो सोसाइटी में यही होता है कि मेन पार्क काफी कम सोसाइटी देती है, बट आपकी सोसाइटी दे रही हो ऑलरेडी, और मंदिर की भी यहाँ पे जो है फैसिलिटी होने वाली है, मंदिर भी दे रहे हैं। तो मैम आपने कहा कि RCC का रोड करके देंगे, लेकिन रोडों की यहाँ पे जो साइजेस क्या रहने वाली है? साइज रहेंगे आपके 22 फुट, 23 फुट और 18 फुट, मतलब की 3 साइज है हमारे पास। बिल्कुल, सबसे छोटा 18 का है और 23 तक का जो है यहाँ पे मिलेगी, 22-23 सड़कें। तो दोस्तों ये देख लो, मतलब कि यहाँ पे रोडों के साइज की बात करें तो काफी बढ़िया मिलने वाली है। और मैं मैम जहाँ तक देख रहा हूँ अभी शायद लॉन्च हुई है हमारी प्रोजेक्ट। हाँ, अभी अभी लॉन्च हुई है। बिल्कुल। तो मतलब कि अगर कोई भी फैमिली अभी आती है तो अभी चांस है उनको एल कॉर्नर की। हाँ, बिल्कुल, आपको सिंगल साइड और कॉर्नर दोनों के ही मिल जाएंगे। और डुअल साइड भी अवेलेबल है क्या? हाँ जी। तो दोस्तों कॉमर्शियल भी मिल जाएगा, कॉमर्शियल भी शॉप भी बना के दे रहे हैं। शॉप, तो शॉप कितने कितने गज में आप दे रहे हैं? शॉप हम आपको दे रहे हैं 25 गज में 12.5 लाख की। अच्छा, 25 गज का 12.5 लाख। अभी दोस्तों नोएडा जैसी जगह में जहाँ पे लाखों की और करोड़ों की शॉप्स मिलती है, वहाँ पे आपको जो है 25 गज का 12.5 लाख में शॉप मिल रही है। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे प्लॉट भी मिलेंगे, लेकिन मैम उसके साथ बात कर लेते हैं। हमारी फैमिली काफी सारी सोच रही होगी कि भाई साहब हम प्लॉट तो लेंगे, क्योंकि नोएडा अपने आप में एक इतनी स्मार्ट सिटी और इतनी ज्यादा कॉस्टली शहर भी है। तो अगर हमारी फैमिली यहाँ पे प्लॉट लेती है तो आपकी कंपनी के किस्तों में दे रही है यहाँ प्रोजेक्ट या किस तरह? सर नहीं, हमारे यहाँ सबसे छोटा प्लॉट का जो साइज है वो 50 गज का है। बाकी आजकल हम आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल दे रहे हैं। आपका 50 गज का प्लॉट 10 लाख का बैठता है, उसमें आप 3 लाख रुपए जमा करा के आपका 7 लाख का इजिली लोन करा देंगे। लोन हो जाएगा? बिल्कुल। और मैम ये लोन मतलब की कितने टाइम के लिए हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी? लोन वो आपके ऊपर डिपेंड है, 10 साल का भी होता है, 15 साल का भी होता है, 20 साल का भी होता है। अच्छा जी, मतलब की अगर कोई बंदा आपको सिर्फ 3 लाख 3.5 लाख रुपए दे के 15-20 साल का अगर लोन करवा लेता है तो हर महीने 3-4 हजार की किस्त बन जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब कि ये अमाउंट हर मिडिल फैमिली उठा सकती है। बिल्कुल सर, हर कोई उठा सकती है। तो दोस्तों ये देख लो यहाँ पे लोन की फैसिलिटी है। मैम ये लोन क्या किसी बैंक से होती है, फिर कुछ बैंकों से? लोन हमारे यहाँ एक मतलब एक अच्छा बैंक है, बंधन बैंक है। ओके। क्या बता, किफ्स बैंक है। अच्छा, काफी मतलब सारे बैंक है जिससे कि आप लोन करवा देती है। और वो दोस्तों आप यहाँ पे लोन पे, तो सबसे छोटा प्लॉट आपने कहा 50 गज का अवेलेबल हो जाएगा। 50 गज का। तो दोस्तों 50 गज का मैम साइजेस की बात करें तो 50 गज में क्या साइज रहेंगे? 30x15 जी। तो दोस्तों ये देख लो, मतलब कि एक ऐसा साइज जो कि मोस्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और मैम बात करते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हमारी फैमिली सोच रही होगी, अभी तक बात नहीं किया। तो डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या प्रोवाइड कर रही है हमारी फैमिली? डॉक्यूमेंट्स में वो लोन के लिए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप ही होती है। ओके। बाकी अगर किसी के पास सैलरी स्लिप नहीं है तो वो अपना काम भी दिखा सकता है, जो काम वो कर रहे हैं अभी, जो भी काम करता है। बिल्कुल सर। तो मैम बात करते हैं यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट, जो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स की बात करेगी, मतलब रजिस्ट्री मोटेशन भी। सबसे अच्छी सर हमारे ये कि जो हमारे ओनर हैं, हाँ, रमेश शर्मा जी, उन्हीं के नाम अपनी रजिस्ट्री है इस पूरे प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट की। हाँ जी, उन्हीं के नाम रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज भी है। तो दोस्तों देखो रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों अवेलेबल होने वाला है। तो मैम काफी सारे बंदे देख सकते हो यहाँ पे लोकल की ट्रेनें चल रही है। तो मैम ये लोकल ट्रेनें ऐसे चलती रहती है यहाँ पे? हाँ जी, ऐसे चलती रहती है। मतलब कोई भी यहाँ से 10 रुपए दे के दिल्ली भी जा सकता है, अप डाउन कर सकता है। हाँ जी। तो दोस्तों देख लो, मतलब इतनी सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो मैम बात करते हैं अगर हमारे फैमिली को परचेज करना हो, वो दूर बैठी गई, मान लेते कोई कन्याकुमारी कश्मीर से हो, उत्तराखंड से, उत्तरांचल से हो, या फिर कोई इंडिया के बाहर जाकर जॉब कर रहा हो बट लेना चाहता है नोएडा में प्रॉपर्टी, तो क्या फैसिलिटी उनके लिए भी अवेलेबल है? सर उनके लिए फैसिलिटी ये है कि वो कोई भी मतलब नियर बाई मेट्रो स्टेशन पड़ता है, सेक्टर 62 है, वैशाली है या इंदिरापुरम है, वहां से आ सकते हैं और हमारे यहाँ पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी है। क्या ऑनलाइन की फैसिलिटी आपके पास, अगर कोई ऑनलाइन वीडियो देख के वीडियो कॉल पे परचेस कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो दोस्तों देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट सारी चीजें अवेलेबल है, इनके ओनर के नाम पे रजिस्ट्री है। तो अगर मैम कोई देखना चाहे दिखा सकते हैं आप उनको रजिस्ट्री ओनर के नाम पे? बिल्कुल सर। तो मैम बात कर लेते हैं अगर किसी को आना है, साइट विजिट करनी है, देखनी है, तो आपका लोकेशन और एड्रेस क्या होने वाला ऑफिस का, ये बता दीजिए आप। सर लोकेशन एड्रेस की तो ये बात है कि हम लाल कुआं से जब आ रहे हैं तो लाल कुआं से आगे आने पर यहाँ पड़ता है क्या बोलते हैं राइस मिल। अच्छा। कैरबिल राइस मिल के बैक साइड में हमारी सोसाइटी पड़ती है, वहाँ पे 10 रुपए आप बैटरी वाले रिक्शा में देके आप बोल सकते हो कि हमें प्रधान चौक जाना है, वो आपको वहाँ पे उतार देगा, आप हमारे इजिली साइड पे आ सकते हैं, सीधा साइड पे आ सकते हैं। बिल्कुल सर। वरना मेट्रो स्टेशन आकर के अगर कोई फोन करे तो वहाँ से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी है। तो मैम बात कर लेते हैं अभी अपने प्रोजेक्ट पे जो है, अब बात करते हैं प्राइस की, तो कैसे रुपए गज चल रहा है अपने प्लॉटों के यहाँ पे? सर हमारे यहाँ जो प्राइस चल रहा है वो सिंगल साइड 20,000 रुपए गज है और कॉर्नर का 22,500 रुपए गज है। अगर कोई एल कॉर्नर लेता है तो बेसिक सी बात है कि कॉर्नर
कि प्लॉट हर जगह 10% महंगा होता है। हाँ। तो वो तो दोस्तों हर जगह आपको देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रहती है उसकी, बट 20,000 रुपए गज से यहाँ पे प्लॉटें स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी बैंक लोन के साथ। 10-20 साल का बैंक लोन करवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोस्तों एक अच्छी जिंदगी आप नोएडा के अंदर अगर आप रह रहे हैं और किराए पे हैं तो दोस्तों आप रेंटल इनकम से छुटकारा पा सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, वरना अपने फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।